मत करके हमें वापस नहीं लेंगे। इस आंदोलन में कल हमारे पंजाब के किसान शहीद हो गए, उन पर पैर की बौछार लगी, वो इतनी भारी सर्दी में पैर की बौछार के अंदर डटे रहे और वो कल हमारे किसान शहीद हो गए। उस किसान की कुर्बानी, उस किसान का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा, जिस अध्यादेश के खिलाफ उसने अपनी कुर्बानी दी, ये अध्यादेश सरकार को वापस हर हाल में लेना पड़ेगा, नहीं तो जब तक ये वापस नहीं होगा किसान इसी तरीके से इसका विरोध करते रहेंगे। अभी जब हमारा अध्यक्ष जी धरना समाप्त कराएंगे तो उस किसान के स्नेह सम्मान में 2 मिनट का मौन भी रखेंगे और हम पंजाब सरकार से और केंद्र सरकार से यह निवेदन करते हैं कि उस किसान को शहीद का दर्जा दिया जाए और 1 करोड़ का मुआवजा उस किसान के परिवार को भी दिया जाए, जिस किसान ने इस आंदोलन में बड़े प्राणों की आहुति दे दी। हमारी पूरी सहानुभूति भारतीय किसान यूनियन की उस किसान के परिवार के साथ। अभी ये और नया जाम लगाया गया, जो भी डिसीजन होगा हाईकमान का, अब यहां हमारा ज्ञापन जा रहा, 2:30 बजे हमें अधिकारियों को ज्ञापन देंगे, उसके बाद में कल दिल्ली कूच का निर्णय लिया गया। राकेश टिकैत जी आज दिल्ली कूच करेंगे, उन्होंने कहा आज अपना धरना 2 बजे ज्ञापन देकर 2:30 बजे समाप्त कर दिया, उसके बाद में कल दिल्ली की तैयारी करी जाएगी। कल अपनी गाड़ियों से, अपने ट्रैक्टरों से, अपनी गाड़ी में अपना पानी का कैंपर, अपना राशन, अपने कपड़े, अपना बिस्तरा, अपनी गाड़ी ट्रैक्टरों से यहाँ मंडी में से चलेंगे और दिल्ली के लिए सुबह कूच करेंगे और ऐलान जंग होगा, जो भी होगा देखी जाएगी, पीछे हटने वाला नहीं हो, जो भी जिस तरीके का दिशा निर्देश हमारे हाईकमान की तरफ से आता रहेगा हम उसका पालन करते रहेंगे। आज जो है यहाँ जाम हुआ ये एकदम इमरजेंसी कॉल थी, ये कल 5 बजे राकेश टिकैत जी के आवास पे एक इमरजेंसी आपातकालीन मीटिंग हुई, उस आपातकालीन मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है कि कल जो है 12 बजे से 2-3 बजे तक जाम होगा और ज्ञापन जाएंगे। तो ये अब हमारा जाम जो रह रहा है ये इसके बाद कल दिल्ली कूच कर आएगा और ये लड़ाई अब आर पार की लड़ाई होगी, जो भी डिसीजन अगला होगा ये बता दिया जाएगा। लेकिन किसी भी आंदोलन के लिए आप लोग तैयार रहें, यह किसी के लंबे का मंडाली है तो इसमें न्योता देना पड़ेगा, ये हम सबका कर्तव्य है। ये देखो कि वो भी किसी माँ के नाम है जो 3-3 महीने का राशन लेकर सड़कों पर निकल लिए, जो इस अध्यादेश के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे, वो हरियाणा पंजाब के किसानों का अध्यादेश समाप्त नहीं होने वाला, वो पूरे देश के किसानों का अध्यादेश समाप्त होगा। तो उन्हें भी देखो कि जो अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे, अपने प्राणों की आहुति दे रहे और लगातार संघर्ष कर रहे, जड़ में सर्दी में पेड़ की बौछार में लगातार 3-3 महीने का राशन लेकर सड़कों पर निकल लिए, तो हमारा पूरा समर्थन हरियाणा और पंजाब के किसानों को रहेगा। जो लड़ाई का बीड़ा उन्होंने उठाया, हम जनपद हरिद्वार उत्तराखंड के किसान भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, कहीं भी हम पीछे हटने वाले नहीं है। जो भी डिसीजन अगला होगा इसमें किसी के मौके की बात नहीं देखनी, जो भी आदेश हो, जो हमारे भाई फेसबुक या व्हाट्सएप पर भी जुड़े हुए वो भी ध्यान रखा, जो डिसीजन होगा वो एकदम बता दिया जाएगा और उसमें एकदम तैयारी के साथ दिल्ली कूच की तैयारी होगी और जहां से भी डिसीजन होगा उस कूच के लिए आप लोग सब तैयार रहे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय हरियाणा, धन्यवाद।